अच्छा, हमारे भैया हैं डिलीवरी में काम करते हैं भैया। सबसे पहले भाई नाम क्या आपका? अमन। अमन नाम है इनका। मतलब कहाँ से स्लॉट उठता है भैया जी? ये उठता है अपना बदरपुर। अच्छा, ये बदरपुर में इनका हब है डिलीवरी का। और मतलब कि बेसिकली जो डिलीवरी कंपनी है ना, ये इनका अपना काम नहीं है, ये मतलब कि और कंपनीज का काम लेते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, और ये मीशो वगैरह जो कंपनी है, इन सब के फ्लोट होता है, मिक्स होता है। इनका अपना तो इनका नहीं है ना, तो इनका घर अपना डिलीवरी का अपना नहीं होता है। तो इसमें अगर ज्वाइन करना हो किसी को तो क्या कर लेंगे? ज्वाइनिंग तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास आपकी अपनी बाइक होनी चाहिए या साइकिल। बाइक है तो बाइक की आरसी, पोल्यूशन, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपका बैंक में अकाउंट, और आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल। जिस एंड्रॉयड मोबाइल से आप इस पूरी ऐप को ऑपरेट करोगे, आपको स्लॉट मतलब कि डेली मिल जाते हैं, स्लॉट मिल जाता है डेली? मिल जाते हैं। 50 का स्लॉट एक बार मिल जाता है, मान लो अगर वो कंप्लीट हो गया दिन में, तो आपको दोबारा भी स्लॉट मिल सकता है क्या? मर्जी है। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लो स्लॉट है तो आप दोबारा जाके हब से स्लॉट ले सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कमाई कितनी है, क्योंकि हर किसी का मकसद होता है कमाई करना, कि क्या कमाई हो जाएगी, क्या नहीं होगी, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता। तो चलो हम एक काम करते हैं, भाई से पूछ लेते हैं। भाई नाम आपका? नाम भूल गया आपका? अमन। अमन नाम है भैया का। अमन भाई से पूछ लेते हैं कि आगे कंपनी इनको क्या देती है। तो अमन भाई, वैसे मतलब कि क्या हिसाब किताब है? नहीं, 17,000 तो आप मतलब कि सैलरी बता रहे हो क्या? आप सैलरी बेस पे काम करते हो? अमन भैया के पास कस्टमर का कॉल आया हुआ है, अभी भैया किसी को पार्सल देने आए हुए हैं, तो अभी ये वेट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इनसे जानकारी निकाल लेता हूँ। काफ़ी कुछ मैंने अमन भाई से पूछा भी था, भाई ने बताया भी, पर क्या है कि हमारे जो वेवर्स कुछ ऐसे भी हैं जो बिलीव नहीं करते इन सब चीज़ों को। तो मैंने कहा क्यों ना अमन भाई से क्लियर बात कर ली जाए, और अमन भाई के मुँह से जान लिया जाए कि आखिर ये इसमें कमाई है कि नहीं है। तो अमन भाई, मतलब कि सैलरी बेस पे भी जॉब मिल जाती है इसमें? सैलरी पे भी है और कमीशन पे भी। तो सैलरी बेस में अगर मान लो कोई आदमी काम करता है, तो उसको तो फंसा देंगे ना भाई, इतने बजे आना है तुम्हें और इतने बजे जाना है। अगर मगर उसमें ये है कि सैलरी में आपको मिलेगा टारगेट, और उतना तुमको हार नहीं मानना है। कहने मतलब ये कि सैलरी में अगर आप काम करोगे तो आपको टारगेट दे देंगे कि इतना तो आपको करने ही करने, और अगर मान लो सैलरी पे नहीं करते हैं तो फिर तो पार्सल पे कितने रुपए मिलते हैं? पार्सल तो आपको मिलेंगे 14 रुपये। पार्सल पे 14 रुपये पेट्रोल भी मिलता है क्या भैया? नहीं, पार्सल में 14 रुपये पीस मिलेगा आपको, और उसमें पेट्रोल नहीं मिलता है। अगर मान लो आप जैसे इनकी टैक्सी नंबर्स वगैरह भी होते हैं, अगर उससे काम करोगे तो उसमें आपको पेट्रोल का खर्चा नहीं होता है। बाकी जो है, अगर आपका पेट्रोल खुलता लगता है, आपका 100-125 रुपये का पेट्रोल इसमें लग भी जाता है। तो कहने मतलब ये है कि भाई, कहने अगर मान लो आपको 60-70 पार्सल मिल जाते हैं, तो आप आराम से 500-550-600 रुपये कर सकते हैं। वैसे खैर, हमारी जो नौकरी है वो हमारी खुद की मर्जी की नौकरी है, पर इसमें क्या है ना, थोड़ा आदमी बंद हो जाता है, पार्सल होता है, कैश भी जेब में रखा रहता है, कैश को भी मेंटेन करना होता है, पार्सल इधर उधर हो जाए तो वो भी सारी दिक्कतों को देखना पड़ता है। तो अब ये तो आप भी कंपेयर करेंगे कि आपके लिए वो कंपनीज वगैरह ठीक है या इसमें आपका काम ठीक रहेगा, ये आपको समझना होगा। बाकी चल के मैं स्टूडियो से बात करता हूँ। तो भाई, अमन भाई से मेरी बात हुई थी, काफ़ी बातें मेरी अमन भाई से हुई थी। वहाँ पर थोड़ी नॉइज़ की प्रॉब्लम हो रही थी, बाहर का शोर ज़्यादा आ रहा था और थोड़ा कंजक्शन एरिया था वो। तो मैंने उनसे बातें की और मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर ज्वाइन करना है तो क्या करना होगा। तो ऑनलाइन इसमें ज्वाइनिंग का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, आपको अपने नज़दीकी, जैसे गूगल पर आप डिलीवरी हब सर्च करेंगे तो आपके नज़दीकी जो भी डिलीवरी का हब है वहाँ का आपको लोकेशन मिल जाएगा। आपने वहाँ जाकर पहले जो वहाँ पर TL है, जो टीम है इनकी, उनसे रिक्वायरमेंट पता करनी है। रिक्वायरमेंट अगर है, आप अपने रिज्यूम, अपने बैंक की डिटेल, अपना आधार कार्ड, अपने ड्राइविंग लाइसेंस, अपनी गाड़ी की RC, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आप लोगों को पता है, आप लोग करते भी हैं काम इस तरीके का, तो वहाँ से आपको एक APK फाइल जो ऐप है इनकी, वो प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको डाउनलोड करवाई जाएगी, उसमें लॉगिन होगा। आपको ट्रेनिंग के लिए
दो तीन दिन किसी ना किसी बंदे के साथ वहां से भेजा जाएगा, ताकि आप ठीक से समझ सके कि आपने पार्सल किस तरीके से लेना है हब से, किस तरीके से उसकी काउंटिंग स्कैनिंग वगैरह होगी, किस तरीके से आपको उसे अपने पास लोड करना है। क्योंकि इसमें भी वही होता है कि सब एरिया आपको मिलता है, जैसे 5 किलोमीटर का एरिया मिल गया आपको, 7 किलोमीटर का एरिया मिल जाता है आपको। अपने जैसे ब्लॉक वाइज सारे पार्सल्स वगैरह को सेट करके रखना होता है, कि ताकि आप पहले उस एरिया में जा रहे हैं तो सबसे ऊपर वो वाले रखेंगे, उससे नीचे फिर जिस एरिया को आपने डिसाइड किया उस जगह पर आप उनको रखेंगे। इस तरीके ऊपर से नीचे तक आपने उसमें अपना सामान रखना है, और कस्टमर्स की सारी डिटेल्स आपको ऐप में मिल जाती है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका जो भी आइटम है। और उसमें स्कैन सिस्टम होता है एक बार कोड की तरीके का, आप उसको स्कैन करेंगे और आप उसको पेमेंट आपकी कैश में है या ऑनलाइन पेमेंट है या किस तरीके से, वो सारे ऑप्शंस ऐप के अंदर होते हैं। अगर आप मेरे को कमेंट करेंगे तो मैं आपको पूरी ऐप में, मतलब कि पिकअप से लेकर डिलीवरी तक की सारी डिटेल मैं आपको दे दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो। आपको पर पीस 14 रुपये इसमें मिलते हैं कंपनी की ओर से, और अगर आपको मान लो 100 पार्सल भी मिल जाते हैं तो आप 100 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें आपको छोटा एरिया मिलता है 5, 7, 10 किलोमीटर का, तो आपका ज़्यादा ज़्यादा मुझे लगता है 50 या 60 रुपये का पेट्रोल लगता है, और 14 के हिसाब से आपको आपकी जो इनकम है वो आपको वीकली पेमेंट होती है इसमें, तो वीक में एक बार आपको आपकी जो भी पेमेंट है वो आपको आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र हो जाती है। और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप अपना रिज्यूम लेके जाएंगे वहाँ पे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, अगर वहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। अमन भाई ने हमारे को बहुत अच्छी अच्छी तरीके से अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हैं। मैंने अमन भाई का शुक्रिया भी किया कि उन्होंने हमारे को समय दिया। हालांकि इस तरीके से जब कोई रोड पर खड़ा होता है तो उसको समय दे पाना बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए, तो सबसे पहले अमन का मैंने शुक्रिया किया। और अगर आप इस तरीके का काम करना चाहते हैं तो आप कहीं भी डिलीवरी के हब में जा सकते हैं, या आप मान लो फ्लिपकार्ट में काम करना चाहते हैं या अमेजोन के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप बड़ी ही आसानी से इनके हब को गूगल पर सर्च करके, गूगल GPS पर सर्च करके आप वहाँ पर जाएंगे, रिक्वायरमेंट पता करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। आप इसमें दो तरीके से, मान लो आपके पास सपोज बाइक नहीं है, आपके पास साइकिल या बाइक भी नहीं है, तो आप उनके पास ऐसी भी रिक्वायरमेंट होती है कि उनके पास उन्होंने जो गाड़ी वगैरह होती है 4 व्हीलर वो भी रखे हुए होते हैं मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए। तो उसमें आपको सिर्फ अपने मोबाइल से ऑपरेट करना होता है, और उसकी जो लोडेड गाड़ी होती है उसके साथ आपको सिर्फ डिलीवरी करनी होती है। तो आपके साथ एक ड्राइवर भी होता है, आप ड्राइवर कंडक्टर सीट पर बैठते हैं, आपको मोबाइल से सारे जो पार्सल हैं वो डिलीवर करने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बाइक नहीं है या साइकिल नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते, आप बिगैर बाइक और साइकिल के भी आप काम कर सकते हैं। अगर कंपनी में रिक्वायरमेंट है और आपके पास आपकी सारी ID और डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो आप वैसे भी काम कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आपको डिलीवरी जॉब्स वगैरह की वीडियोस मिलती रहती है। तो मिलते हैं अपने अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।